और छोरो के हाल। तो आप सभी का स्वागत है बैड बॉयज के एक और खतरनाक एपिसोड में। तो गाइस वेल, आज के एपिसोड में अपन लोग बनाने वाले हैं लीचिंग फोर रन। अब भाई मुझे पता है तुम सभी के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि ब्रादर लीचिंग थ्री से ऊपर तो कोई रन ही नहीं होता, तो तू लीचिंग फोर कैसे बनाएगा। तो वेल, मेरे को ना तुम में से किसी एक बंदे ने ना एक कमेंट किया, ठीक है, उसमें लिख रहा था कि ब्रादर अगर तू है ना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के रन्स को अगर एक साथ असेंबल करेगा ना रेड वाले एरिया में, तो तू लीचिंग फोर रन बना सकता है, तेरा जो लीचिंग रन है ना उसकी पावर इंप्रूव हो जाएगी। वेल, स्टार्टिंग में तो मेरे को ये बात झूठ लगी, ठीक है, मेरे को लगा ऐसा कुछ नहीं होगा, बट उसमें लिख रहा था कि ब्रादर ये एक ग्लिच है। तो वेल, मेरे को यकीन हो गया क्योंकि भैया आजकल करेंटली देखा जाए तो बीजी में इतने दुनिया भर के ग्लिच पड़े हुए ना कि क्या ही बात करें, ठीक है। एंड उसके अलावा आज के एपिसोड में अपन लोग बात करने वाले हैं न्यू इवेंट के बारे में, क्योंकि लास्ट एपिसोड में करना भूल गया था और तुम लोगों ने मेरी कतई ना जान खा ली थी, तो इसीलिए आज के एपिसोड में अपन दोनों ही काम एक साथ निपटा देंगे। बट फिलहाल के लिए आप सभी का कीमती वक्त ज्यादा बर्बाद न करते हुए चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। ऑलराइट, तो भैया एक चीज मैं तुम लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मैंने भैया ये जो ट्रिक या ग्लिच या जो भी है ये, ठीक है, ये अभी तक कहीं पे भी और किसी के भी चैनल पे नहीं देखा, ठीक है। जैसा तुम सभी जानते हो मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं किसी और की वीडियोस वगैरह देख ताक कर ये नहीं सीख सकता, ठीक है। मेरे को इस बंदे बस बताया था कि ब्रादर तेरे को ये करना है, ये स्पेसिफिक अमाउंट के रन्स यूज करनी, देन तेरा रन है ना लीचिंग फोर में कन्वर्ट हो जाएगा, तेरे को ज्यादा मात्रा में तेरी हेल्थ रिस्टोर होगी, ठीक है। एंड जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो अभी के लिए मैं ये वाला कॉम्बो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एक लीचिंग थ्री रन, एक लीचिंग वन रन एंड तीन स्ट्राइक रन और दो शॉर्ट डैमेज रन। वेल, देखने से तो ऐसा लग रहा है भैया हाँ कुछ तो होगा इससे, ठीक है, बट वेल मतलब अंदर से थोड़ा वो डर भी लग रहा है कि पता चला मैं भैया मतलब चौड़ में चला जाऊं कि हाँ भैया लीचिंग फोर रन है मेरे पास, अब कौन सा आ रहा है और सामने वाला मतलब वो डरावना होगा। हाँ वो बहुत डरावना होगा, ठीक है, मेरे को भैया लिटरली कहूँ ना तो इसमें 50-50% चांस है, ठीक है। 50% तो यूँ है कि भैया हाँ आजकल क्या बीजी में ना काफ़ी सारे हैकर वैकर ढूंढ रहे हैं तो बग वगैरह आ गया होगा, कोई ग्लिच हो गया होगा, ठीक है। एंड 50% चांस इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि तुम लोग बहुत कमीने हो, लिटरली हाँ तुम लोग बहुत बार मेरे को बेवकूफ बना चुके हो, तो बट वेल मैंने कहा चलो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, खुद से ट्राई करेंगे तो जल्दी पता चलेगा, राइट। एंड अभी के लिए निकल पड़ते हैं अपने एनिमीज के घर पे, उनके साथ ताथैया खेलने, क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, राइट, हमको जाना ही पड़ेगा। एंड भैया देखने से ऐसा लग रहा है ये लोंडा बहुत ज्यादा परेशान है जिंदगी से, ये अपनी जिंदगी में सारे दुख दर्द भूल चुका है, ठीक है, एक्चुअली ये कुछ बना रहा है यार। वेल लीव इट यार, तुम्हें पता है ना कोई भी कारिस्तानी करता है तो मैं उसको लीव कर देता हूँ। हाय सर, फेफड़े गुर्दे से फैनू तेरा सर, ओ हाय सर, अरे कैसन बा ब्रदर, कैसन बा। वेल अभी तक तो वैसे देखने में सही लग रहा है, डैमेज नहीं मिल रहा मेरे को इतना ज्यादा कुछ है ना। एंड मरा या नहीं मरा ये, हेलो भाई ये लौंडा खुदा भी सदमे में कि ये क्या हो गया भाई, मतलब ओके अबे भंडे क्या हो बाबड़े, ये लौंडा 100% भंड था भाई, ये 100% भंड था लौंडा, वहां इसको नल दिख रही है, कौन दिख रहा है वहां, किसको आयलो कर रहा है बावड़ा पता नहीं कैसे लोभी में आ गया, आधे से ज्यादा लौंडे तो भंड पड़े हैं यहाँ पर। Well, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ मैं गलत जगह पे आ गया, ठीक है, पता चला ये ओ अच्छा तुम्हें ये मुझे ही आयलो कर रहा था मैं सोचू लौंडा बंडा है ओके ब्रादर ओके सॉरी है ना हमसे गलती हो गई। ओए लाल परा मान जा यार, हेलो अबे क्यों नहीं है भैया माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहे अपन, बैड बोर से ये ब्लॉकमैन को, हाँ बिल्कुल। वेल मैंने अभी तक मेरी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया है सर, बंडे लौंडे कैसा है तेरी जिंदगी में क्या, अरे यही तो कूदा था यार, मेरे को नाम थोड़ा थोड़ा याद है इसका, यही कूदा था तो ये मरा क्यों नहीं, मैं सोचा ये गेम एग्जिट कर गया। वेल मैं कह रहा हूँ ना बीजी के नशे भैया, बीजी के नशे ब्लॉकमैन को बहुत नशे हो रहे हैं आजकल। ओ यहाँ क्या हो रहा है भाई, हाय गाइस कैसन बा,
मेरे मारी मेरे मारने से पहले 100 बार सोचा कर। ओ ओके वेल गाइस वेल आउच ठीक है नेवर माइंड हम उड़ के चले जाएंगे एक्चुअली मेरे को एक नज़र ऊपर भी देख लेना चाहिए था कि मेरे ऊपर छत है और मैं टकरा के वापस नीचे आ जाऊंगा। मैंने लिटरली नोटिस नहीं किया और अभी तक भैया मेरे कसम से ये भी नोटिस नहीं किया कि मेरी हेल्थ बढ़ रही है घट रही है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बट वेल मेरी हेल्थ वैसे बढ़ तो रही है बट कितनी ये नहीं देखा मैंने। देखो लीचिंग 1 से अपनी 1 पॉइंट हेल्थ बढ़ती है, लीचिंग 2 से 2 बढ़ती है और लीचिंग 3 से 3 बढ़ती है। तो अगर ये लीचिंग 4 बन चुका है तो अपनी 4 हेल्थ अप होनी चाहिए राइट। लेट्स सी हो रही है नहीं हो रही, इस बार जाके देख लेंगे ठीक है। वेल इस बार मैं भैया पूरी तरह से ना सतर्क रहूंगा ठीक है, मेरे को इस बार किसी भी मासूम लोंडा लोंडी एक्सेट्रा के चक्कर में नहीं पड़ना और वो लोंडा जो हाई अलो कर रहा है ना मैं उससे दूर रहूंगा। क्योंकि तुम लोग मुझे बताते हो कि भैया जो ये लोंडे होते हैं ना इनको जब लगता है कि वो मरने वाले हैं तो वो क्या इसी तरह करते हैं, हाँ वो इसी तरह हाई अलो कर करा के तेरे को डाइवर्ट करते हैं ताकि तू उनको कूट ना दे। वेल मैं समझ गया, मैं भली बात ही समझ गया ब्रदर, ये हमको दे देगा तो मतलब समझ रहा है फेरो और नागों के देता हेलो फेरो सोट दे दे हमको दे दे इधर इधर ओए अंधे फेरो भंडा है एक्चुअली। ओ वेल जो भी हो ठीक है, मेरे पास थोड़े बहुत गोल्ड हो चुके हैं तो मैं सोच रहा हूँ आर्मर अपना ले लेते हैं ठीक है, हाँ मतलब इम्प्रूवमेंट जरूरी है राइट। एंड उसके अलावा मेरे पास एक एमरल पड़ा है उसका मैं कुछ करूँगा नहीं तो ये ले लेते हैं। हाँ अब मैं उड़ता हुआ जाऊँगा बादियों में उड़ता हुआ जाऊँगा बिल्कुल। हाय सर बाय सर कैसन बाब रो, अरे कैसे चल रही है जिंदगी तुम्हारी सर, तुम तो बहुत भंड है यार। ओ ये लिटरली बहुत ज़्यादा भंड था। ओ वेल जो भी हो कौन सा है देख, अगर तू हुआ ना जिसने मेरे दी मरे, मैं कह रहा था ये लोग भंड है भाई कसम से, इतना भंड पाना मतलब ओ ग्रेट। तो मुझे इसका बैट तोड़ने में कोई भी पश्चाताप नहीं होना चाहिए राइट, या बिल्कुल हाँ ब्रो मुझे कतई भी पश्चाताप नहीं हुआ तेरा बैट तोड़ने में ठीक है, या डाई हाँ ऑल राइट। तो इसके बाद बचे हुए भाई बंधुओं को भी कूट काट के इसका क्या चाह रहा है तू सर, मर ले लावारिस मौत मर ले, हाँ लावारिस क्योंकि मतलब हाँ जो भी है ठीक है। तो इस टीम का सिर्फ एक बंदा बचा है, देन ये लो टीम बची है और मैंने माँ कसम अभी तक अपनी हेल्थ पर गौर नहीं किया। बट वेल भाई तुम्हें मेरी हेल्थ तो फुल है का तैयार, आओ क्या इसका मतलब ये वर्क कर रही है एक्चुअली, मेरे को ना टेस्ट करना ही पड़ेगा किसी पर ठीक है। मैं भाई कसम से इतना मतलब कितना बावड़ा इंसान हूँ मैं यार, मैं लिटरली भाई इन चीज़ों में गौर ही नहीं करता कि मेरी हेल्थ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से हट जाने तो बेरोजगारों की तरह मरेगा साली। हाँ तो वेल मेरे को इस बारे में नोटिस करना पड़ेगा कि क्या अपनी हेल्थ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। वेल इसका तो एक ही तरीका है, किसी एक मासूम बच्चे को पकड़ कर हाँ उसके संग थोड़ा अत्याचार करना पड़ेगा। आउच ठीक है ऑलराइट समझ रहा हूँ मैं। तो सामने मेरे दो ही बंदे हैं, वेल ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी तो मेरे को डैमेज मिलेगा तभी तो मैं उसकी हेल्थ ओके मेरी हेल्थ ऑलरेडी फुल है तो मैं ऐसा कैसे देखूंगा, मार ब्रो मुझे ठीक है मेरी हेल्थ 21 है 18 एक्चुअली इसको मारो। मैं देख रहा हूँ मैं हेल्थ ही देख रहा हूँ मेरी चार्ज हो रही है उससे पहले तो डिस्चार्ज हो जा रही है हेल्थ। ओ आउच ये तो एक ही पॉइंट है, ओ काट दिया मेरा तुम लोगों ने, एक मिनट मेरी हेल्थ अब फुल हो गई यार। वेल अगर ये कोई ग्लिच है ना तो इसी तरह काम करता है ठीक है। एंड गाइस मैं इधर हूँ, हेलो मैं इधर हूँ, हाँ आप आ गए नाइस। तो वेल मेरे को बताऊँ क्या लग रहा है, ये एक हेल्थ अप कर रहा है एंड कभी कभी रैंडमली ये 4 हेल्थ अप कर रहा है। वेल मेरे हिसाब से ऐसा ही लग रहा है मेरे को ठीक है। गाइस तुम लोग लिटरली बावड़े हो ठीक है, तुम्हें इन्हें कसम से नहीं पता कि जिंदगी में क्या चल रहा है ना मतलब। वाओ ब्रो नहीं ब्रो ब्लॉक से अच्छा ठीक है सोर्ड से मर तू, हाँ तू सोर्ड से मर ब्रो सोर्ड से मर तू ठीक है। मैं एक देसी माल फूक के यहाँ आ जाता हूँ और इनका बैट ओ टीएनटी लगा कौन सा, अरे अरे बबुआ जी कहाँ जा रहे हो तुम,
हाय सर, कैसन जिंदगी चल रही है तुम्हारी? ये लो सर, जिंदगी में स्वाद। ओए नहीं, लेली लेली लेली। भाई साहब, इससे हेल्थ हो रही है नहीं हो रही मुझे नहीं पता, बट मैं मरने को रेडी हो रहा हूँ कतई। ओ नहीं भैया, सीरियसली मेरे को अब है ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिसने भी मेरे को ये बताया था ना, उसने मेरे से झूठ बोला है। ये कतई भी काम नहीं कर रहा मेरे को। ग्रेट एटॉमिक्स बहुत अच्छी है, मैं कसम से सोच रहा था कि भैया ये काम नहीं करेगा। ठीक है, बट मेरे को पता नहीं क्यों फिर भी लग रहा था कि भाई तुमने बताया तो किसी ने बताया तो सही बताया होगा। ठीक है, ब्रोदर ऐसा क्यों किया तुमने? नहीं, हमारे नाल हमारी भावनाओं के संग खेलने की तुम्हें क्या जरूरत थी सर? क्या मिला तुम्हें सर ये सब करके? वेल, मैं बहुत ज्यादा फिल्मी हो रहा मुझे पता है। ठीक है, लीव इट। बिल्कुल। वेल बताऊं, सही कहूं तो मेरे को लगा था यार कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भैया करेंटली इतने बग और ग्लिचेस हो रहे हैं ना गेम में कि ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। अफसोस, मैं गलत था। मैं गलत था। वेल नेवर माइंड, लीव इट। ठीक है, अब इस गेम को खत्म करके अपन चल लेते हैं और अपने हाँ उस इवेंट की तरफ, क्योंकि अपने को वो इवेंट भी देखना है, राइट? एंड मैं एक थोड़ी एक सोर्ड ले लेता हूँ और एक बचा है तो इससे अपन अपने लिए लीपिंग पोशन ले लेते हैं। हाँ, जंपिंग जंपिंग खेलते हुए जाएंगे उधर और लंडो का गेम ओवर करके आएंगे बस। बट वेल, सबसे पहले तो मेरे को इनका बैट तोड़ना पड़ेगा एंड वो मेरे हिसाब से यहीं पे है। इससे हाँ वो यहीं पे है बिल्कुल। तो वेल, ये तो मैं चाहूँ जब तोड़ सकता हूँ एक्चुअली देखा जाए तो। एक्चुअली तोड़ ही देते हैं फिर इन लोगों की ऐसी तैसी करते हैं जाकर, है ना? वैसे भी मेरा मूड ऑफ हो चुका है, लिटरली कहूँ ना मेरा कतई मूड ऑफ हो चुका है ना, मतलब। ओ वो तो मर गया। ठीक है सर, आपके संग नजायज हरकतें होंगी अब। हाय सर, वेल मेरी सोर्ड में फायर डैमेज फायर है, नहीं उसमें लग नहीं रही एक्चुअली। आई सूज। ओ नहीं भाई साहब, भाई मेरी एम मौके पे ना लीपिंग पोशन की पावर खत्म हो गई थी। मैं सोच रही हूँ उचक क्यों नहीं रहा, मतलब भाई अगर उसने एक और दे दी होती ना मैं खत्म था ऑन द स्पॉट। ठीक है, बट वेल नेवर माइंड, अपन नहीं मरे, अपन जिंदे रहे, सर्वाइव कर पाए एंड गेम जीत गए। एंड ये लीचिंग फोर की जो ट्रिक वगैरह तुमने बताई थी ना, जिसने भी बताई थी ना, पापी इंसान पाप लगेगा तेरे को महाबाला, जो भी मतलब झूठ बोल दिया। वेल नेवर माइंड, चाहे वो रन काम करे या ना करे, भैया गेम में तो काफी मजा आया है ना। एंड उसके अलावा क्या तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की, भैया अपने को हीलिंग भी मिल रही थी साथ में डैमेज भी ज्यादा दे रहे थे। ठीक है, मानी वो कॉम्बिनेशन इतना भी बुरा नहीं था, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत है। वेल मैं वो कभी ना कभी करके दोबारा देखेंगे, बट आज के लिए तो या बहुत कटवा लिया अपना, है ना? अब आ जाते हैं अपन न्यू इवेंट की तरफ। ठीक है, तो जैसा तुम लोग यहाँ देख सकते हो, ये है न्यू इवेंट 7 डे एडवेंचर। जी 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 हाँ, ये वो है ना जिसके 5 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, क्योंकि मेरे को इस इवेंट के बारे में पता नहीं था, बट मैं मतलब बिजी था तो बना नहीं पाया। ठीक है, कोई ना, अब बना लेंगे, है ना? तो यहाँ पर अपने को ये चीजें हैं जो मिल रही है। ठीक है, 50 लीव में विंग। वेल वैसे देखा जाए तो अच्छी लग रही है यार ये विंग्स, है ना? ना यार, उतने भी कुछ ज्यादा खासे अच्छे नहीं लग रहे। आओ लीव इट, नेवर माइंड। तो अगली चीज है पायरेट के कपड़े। ओके, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, ना कुछ खासे नहीं है, रहने दो। अगला है बी क्यूब, 50 बी क्यूब 25 लीफ में। वेल नॉट बैड आइडिया एक्चुअली, नॉट बैड ऑफ क्या बोलो उसे ऑफर। ठीक है, 50-25 लीफ में 50 बी क्यूब, और अगर ऐसे ऐसे तुम कलेक्ट करते रहो तो तुम वेल एंड एक दिन के अंदर तुम लोग ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, एक दिन के अंदर तुम 45 बी क्यू लीव कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो इस हिसाब से तुम लोग अराउंड 5 दिनों में कितना कर लोगे? एंड वेल वैसे ये हर 4.5 घंटे में ये रिफ्रेश हो जाता है, यानी एक दिन में तुम आराम से 100 लीव तो कर ही सकते हो। ठीक है, एंड 100 लीव का मतलब 200, एक दिन में 200 बी क्यूब, है ना? आउच, तुम फिर भी एक स्किन ले सकते हो एक्चुअली, तुम देखा जाए तो एक स्किन बाय कर सकते हो तुम। ठीक है, अपनी मनपसंद कोई भी। वेल वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो करो या ना करो, है ना? बट वेल मेरे हिसाब से अगर तुम देखा जाए ना यहाँ पर, तो मेरे को भैया पूरे इसमें ना एक ही चीज है जो डंकी लगी। ठीक है, हाँ ये विंग्स
बिल्कुल। इनके अलावा लिटरली इसमें कुछ भी काम करनी है, कबाड़ इवेंट है कतई, ठीक है। अब विंग्स अच्छे लग रहे हैं वैसे भाई दबी, बट वेल अपने को नहीं लेनी ये, मतलब अभी पहले देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। वैसे भी विंग्स के लिए अपने पास पैसे नहीं है अभी देखा जाए तो, है ना, तो सोचेंगे उसकी भी सोचेंगे, ठीक है। एंड वेल वैसे ये पायरेट के कपड़े उतने बुरे नहीं हैं देखा जाए तो, है ना, एक्चुअली है। ये फ्री वाला माल था पहले, एक्चुअली पहले पैसों में मिल रहे थे, पहले आया था ये इवेंट तब, बट अब नहीं मिल रहे, अब तो ऐसे ही फ्री में मिल रहे हैं। वेल वैसे तुम देखा जाए तो 520 में वेल इतना अच्छा ऑफर नहीं है एक्चुअली। मेरे को बताऊँ पूरे इवेंट भैया, पूरे इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है ये 50 लीफ में विंग्स, वेल ये काफ़ी सही ऑफर है, ठीक है। एंड इसकी कीमत 35 है और मेरे पास भी 35 रुपीज़ हैं, तो वेल मैं ये मास्क लूँगा। हाँ वेल नेवर माइंड, अपन विंग्स ले लेंगे अगली बार कभी जब अपने पास क्या बोले उसको इनफ लीफ्स हो जाएंगी, और वैसे भी ये इवेंट 5 दिन चलेगा तो वेल नेवर माइंड अपने पास आराम से हो जाएगी, तो मैं ये विंग्स ले लूँगा कदे और मतलब ले लूँगा, ठीक है। बट अभी के लिए तो मैंने भैया ये पायरेट मास्क लिया है क्योंकि मतलब बस आ रहा था तो ले लिया। अब वेल फ्री में मिल रहा है तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। इवन इन लोगों ने अपने को फ्री के सामान से भैया सस्ता नहीं फ्यूरी बना दिया, बट यस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वर्थ इट है। और जो भी अपने को ये विंग्स मिल रहे हैं काफ़ी वर्थ इट है, ठीक है। एंड उसके अलावा तो इस इवेंट में कुछ भी नहीं है, एंड मेरे हिसाब से आज की वीडियो के लिए इतना तो भैया काफ़ी होना चाहिए, ठीक है। ये उम्मीद है आप सभी को आज के एपिसोड में मजा आया होगा, आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, और मिलते हैं जल्दी को न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।